हेलो दोस्तों, साउंड एंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आज फिर से लौट आया हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर जो डिवाइस को हम लेके छेड़खानी करेंगे उसका हर एक डिटेल्स जैसे मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और उसका कुछ खास गुण है। क्या है वो? एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद वो कौन सा फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करता है, उसका साउंड क्वालिटी कैसे रहता है, ये टोटली एक्सक्लूसिवली टेस्ट किया जाएगा आज, वो भी ओरिजिनल साउंड के साथ। तो जी दोस्तों, ये होने वाला है आहूजा की तरफ से ADP30। आहूजा ने हाल ही में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मार्केट में लॉन्च किया था जिसका यूज़ हर कोई कर रहा था। बहुत सारी वीडियो आ गया है, पर मुझे जो वाला वीडियो चाहिए था आज तक मैंने नहीं देखा, तो लो जी, खुद ही बना दिया आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ADP30 फ्रॉम आहूजा। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, और बॉक्स कंटेंट के साथ ये कैसा लुक करता है, और इसका खासियत क्या क्या होने वाला है, और इसका बुरी चीज भी क्या क्या है, वो भी हम बता देंगे। सो लेट्स अनबॉक्स इट। सो खोल लेते हैं बॉक्स को और देखते हैं। ये फास्ट पैकिंग निकल के आया, और इसके अंदर आहूजा की तरफ से हमें कुछ कागजात दिया जाता है, और उसके साथ हम देख सकते हैं बैटरी में ये ऑपरेट हो सकता है, इसीलिए इसमें एक बैटरी का कनेक्टर दिया गया है, एक फ्यूज़ दिया गया है, और इसको ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है। सो फिर मेन चीज़ को बाहर निकल लेते हैं। दिस इज आहूजा ADP30। ADP30 में ये जो आप डिस्प्ले पैनल देख सकते हैं, यहाँ आहूजा ने हर एक चीज़ को इंस्टॉल करने के कोशिश किए हैं, जिससे कि आप नॉर्मली USB ड्राइव कर सकते हैं और इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो छोटा वाला डिस्प्ले दिया गया है, ये कलर डिस्प्ले है, और ये जो है बटन, ये एक यूनिवर्सल नॉब है। इसके मदद से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका MP3 में क्या क्या फोल्डर है वो एसेस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हैं, और अपना गाना जिसका नाम यहाँ पे शो होगा वो कहाँ पे है वो भी आप ढूंढ के प्ले कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके साथ क्या क्या ऑप्शन हम लोगों को मिलता है। जी दोस्तों, ये ADP30R का बैक व्यू है, जहां आप देख सकते हैं यहां एक पावर स्विच है, और यहां पावर के लिए कॉर्ड दिया गया है। आहूजा का ओके टेस्टेड है, इसीलिए टेस्ट कार्ड दिया गया है आहूजा की तरफ से, और यहां आप इस वाले डिवाइस को 12 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके लिए 12 वोल्ट DC का भी एक इनपुट दिया गया है। और आपने पहले भी देखे हैं कि इस इनपुट में ये वाला जैक जो दिया गया है वो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, और ये आप 12 वोल्ट के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ रिकॉर्डिंग इनपुट के लिए एक आपको अक्स लाइन दिया जाता है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है, जिसके लिए यहाँ इनपुट देना पड़ेगा। यहाँ RCA में आपको राइट और लेफ्ट में इनपुट दिया जाता है, और इसका आउटपुट कैसा है वो सुनने के लिए 200 mV में दो आउटपुट दिया गया है, जो कि राइट और लेफ्ट में है, हालांकि ये मोनो भी काम करते हैं। सो ये था बैक व्यू, आप देख लेते हैं फ्रंट व्यू में क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ आपको दोनों वॉल्यूम मिलेगा, ये है आपका प्लेबैक वॉल्यूम जो यहाँ से प्ले होगा, ये वॉल्यूम खोलने से आउटपुट में जाएगा, और ये है आपका इनपुट वॉल्यूम, रिकॉर्डिंग यानी कि आक्स का वॉल्यूम। यहाँ आप आरसीए में जो भी प्लग करेंगे वो इस वाले वॉल्यूम नॉब कंट्रोल करके यहाँ सेंड करेंगे, और इसके ज़रिए आपका रिकॉर्डिंग जो है वो USB में या SSD कार्ड के मदद से रिकॉर्ड हो जाता है। सो फिर इसे कनेक्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा रहता है।
दोस्तों, इस डिवाइस में आपको रिकॉर्ड करने के लिए दो चीज का जरूरत होने वाला है। एक है आपका ये पेन ड्राइव यानी कि यूएसबी ड्राइव और एक कनेक्टर। जैसे कि मुझे आरसीएस से ये वाला कनेक्टर चाहिए था क्योंकि मैं मिक्सर से जहां से रिकॉर्ड करूंगा मैं अपना मिक्सर का स्टीरियो आउटपुट से इसे लूंगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग के लिए ही ये मिक्सर यूज होता है इसीलिए। पर आप चाहे तो RCA से RCA जैक भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के मिक्सर में रिकॉर्डिंग आउट का अलग तरह से ऑप्शन दिया जाता है वहां आपको RCA आउटपुट ही मिलेगा, तो फिर आप RCA से RCA इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपने मिक्सर के साथ। मैंने AUX में डाल दिया है और ये जो मेरा पॉइंट है ये मैं अपना मिक्सर का स्टीरियो आउटपुट में डाल लेता हूं। और यहां जरूरत होगी एक माइक का, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, हम इसे यूज करेंगे तो फिर हमारा माइक आउटपुट रिकॉर्ड करने के लिए ही यूज करेंगे। जो भी हो, जितना भी हो, हमारा माइक आउटपुट अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो जाए इसीलिए ही रिकॉर्डिंग डिवाइस हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो फिर ले लेते हैं कि माइक्रोफोन और टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पावर ऑन कर लेते हैं डिवाइस को। ये हो गया पावर ऑन, आ गया आहूजा का लोगो और डिस्प्ले रेडी हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर। अब हम इसमें डाल लेते हैं यूएसबी को। नॉर्मल यूएसबी डालने के बाद देखिए यहां प्ले हो रहा है। यहां आप नेक्स्ट कर सकते हैं, आपका यूएसबी ड्राइव में जो भी होगा ये प्ले होता जाएगा। और ये आपका जो प्लेबैक वॉल्यूम है इसका इंडिकेटर भी ये है जो यहाँ पे प्ले होता है, यहाँ से आपको आउटपुट दिखाई देता है। पर हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग टेस्ट करके देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल हमारा आ रहा है। तो इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ आपको रिकॉर्डिंग वाला एक बटन दिख रहा होगा जिसको आप प्रेस कर देंगे। यहां पे आ गया प्लीज वेट, रिकॉर्डिंग रेडी हो गया। देखिए यहां पे रिकॉर्डिंग सिग्नल जल रहा है और मैं जो भी बात अभी कर रहा हूं ये फिलहाल मैं माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर ये थोड़ी देर में मैं ये वाला यूएसबी खोल के अपना कंप्यूटर में डालूंगा और वहां आप लोगों को इन डिटेल्स दिखा दूंगा कि इनका क्वालिटी कैसा है और कौन सा फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होता है और इसका रिकॉर्डिंग का क्वालिटी कैसा रहता है। अभी मैं आप लोगों के सामने जो वाला क्लिप्स ऑडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं वो है ADR30 से रिकॉर्ड किया हुआ। मुझे भी पता नहीं इसका क्वालिटी अभी कैसा आ रहा है, ये थोड़ी देर में जब खोल के हम अपना कंप्यूटर में डालेंगे और उसका क्लिप निकल के इस वीडियो में ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसा है। सो बहुत देर आप लोगों के साथ उल्टा सीधा बात कर लिया सिर्फ इसका रिकॉर्डिंग क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, अब चलिए देख लेते हैं इसका क्वालिटी। सो फिर स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। स्टॉप करने के लिए ये वाला रिकॉर्ड बटन आपको प्रेस करके रखना है और फिर रिकॉर्डिंग वाला जो LED ब्लिंक हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग आपका स्टॉप हो गया। निकल लेते हैं यूएसबी को और डाल लेते हैं यहाँ। दोस्तों, आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो आपका यूएसबी ड्राइव में रिकॉर्ड वाला फोल्डर में रहेगा। और देखिए मैंने सबसे लास्ट वाला रिकॉर्डिंग जो किए हैं वही आप लोगों के सामने ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर आता है Audacity, उसमें डाल देता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने जितना सोचे थे आहूजा उतना खड़ा उतर नहीं पाया, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो कर लेता है पर इसका जो रिकॉर्डिंग बाइट रेट है वो बहुत कम लगता है मुझे। ये 128 kbps में भी रिकॉर्ड करता है इसमें भी मुझे डाउट है। साउंड सुन के लगा 64 kbps जैसा रिकॉर्डिंग क्वालिटी है। सो जितना इसका प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 2500 के अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट में।
ये सिर्फ आहूजा ने यूएसबी वाला जो डिवाइस है ये डेवलप किए हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी मिडिल क्वालिटी ही बोल सकते हैं, उससे बढ़िया इससे आप आशा मत रखें। सो ये था ADP 30R का एक ऑनेस्ट रिव्यू जो कि हम आपके सामने रखे। अब ये सोचिए आप, आपको लेना है या नहीं, सिंपल सवाल। सो मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।